सागर जिले के राहतगढ़ में एक सड़क हादसा सामने आया है, जहां कार के ड्राइवर को झपकी आ जाने से कार सड़क किनारे उतरकर पेड़ से जा टकराई और कार में सवार चार लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से कटनी जा रही कार क्रमांक CG04MN9158 में महेश, जहान, लालचंद और ऊषा कार में सवार थे। वही कार जब राहतगढ़ विदिशा मार्ग बड़े पुल के आगे पहुंची, तभी कार के ड्राइवर को झपकी आ गई और कार सड़क किनारे उतरकर पेड़ से जा टकराई। कार में सवार चार लोग घायल हो गए और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की डायल 100 वाहन मौके पर पहुंची और चारों घायलों को राहतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चारों घायलों का इलाज किया गया। लेकिन कार में सवार ऊषा और एक अन्य को गंभीर चोटें होने की वजह से उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। सागर जिले के राहतगढ़ से एक और बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक फोर व्हीलर कार सड़क से 10 फीट नीचे खाई में उतर गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अमित पिता पंचम पटेल उम्र 29 साल जो कार से विदिशा से सागर की ओर आ रहे थे, तभी राहतगढ़ के चौकी मोड़ के पास फोर व्हीलर कार क्रमांक MP04HC1319 अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर 10 फीट नीचे खाई में उतर गई, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अमित के सिर में चोट आई। वह स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस की डायल 100 वाहन पहुंचा और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राहतगढ़ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन अमित के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।